इसके बाद खबरों की ओर एक बड़ी खबर से करते शुरुआत, जो इस वक्त जमशेदपुर से आ रही है। जमशेदपुर में छिड़काने का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने पुलिस एसआई की पिटाई कर दी है, जबकि घायल पुलिस कर्मी ने बताया कि पार्किंग को लेकर स्थानीय दबंगों ने उन पर गलत आरोप लगाकर उनकी पिटाई की। वहीं साक्षी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर कि रक्षक पर भक्षक बनने का आरोप लगा है और सरेआम दिन दहाड़े इस वर्दीधारी की पिटाई की गई है। लेकिन इस पूरे मामले की छानबीन भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप वर्दी में हैं तो आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे होंगे। इस पूरे मामले की छानबीन की जरूरत इस वक्त है, क्योंकि इतने सारे लोग अगर आरोप लगा रहे हैं तो ये गलत भी नहीं हो सकता। और प्रभात, इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं प्रभात। रक्षक भक्षक बनता नजर आया तो फिर जनता ने सबक सिखा दिया, फिलहाल की स्थिति क्या है और इस पूरे मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई होने की उम्मीद की जा रही, क्योंकि पुलिस वाला है, आरोपी पुलिस वाला है, तो ऐसे में पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई होती है, ये सवालों के घेरे में रहेगी। तो फिलहाल की स्थिति क्या है, कार्रवाई किस हद तक और इस पूरे मामले से जुड़ा अपडेट क्या? बिल्कुल बिल्कुल पंकज, पहले मामले के पहले बता दूं मैं कि जो ये पूरी घटना जो सामने आई है और साक्षी थाना क्षेत्र का है, और मैं जहां खड़ा हूं उससे कुछ ही दूरी पर ये जो विवाद हुआ था, पुलिसकर्मी जो कोवाली थाना का एएसआई है, सुरेंद्र शर्मा नाम है इसका, इसका कहना है कि मैं रोड के किनारे से जा रहा था अपनी साइड से, लेकिन वहाँ एक बेलोरो गाड़ी खड़ी थी घर के सामने, तो मैंने कहा कि बेलोरो गाड़ी रोड से थोड़ा साइड कर लीजिए, इसी को लेकर विवाद हुआ और विवाद होने के बाद जो पुलिसकर्मी ने बताया उसके बाद मारपीट शुरू होगी। हालांकि जो घर वाले का कहना है, साफ कहना है कि उस घर के सामने एक बच्ची खड़ी थी, बच्ची के साथ वो ऐसा ही छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोग और घर वालों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी और उसके सर में चोट गंभीर चोटें आई है और वो घायल हो गया है, और घायल के बाद उसे एमजीएम अस्पताल ले जाया गया और जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन पूरे मामले की तफ्तीश में साक्षी पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, अगर एएसआई दोषी होंगे तो एएसआई पर कार्रवाई होगी, अगर घर वाले के जो कहना है कि हमारे बच्ची के साथ में छेड़छाड़ किया, अगर छेड़छाड़ की बातें सामने नहीं आई, क्योंकि उस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे भी लगे, अगर प्रूव होता है कि छेड़छाड़ किया तो निश्चित है पुलिस वाले जो वर्दी में थे उसके पर कार्रवाई होगी, लेकिन अगर वो पुलिस वाले के अगर गलती नहीं है तो जो स्थानीय लोग जिस तरीके से उनकी पिटाई कर दी, गंभीर रूप से घायल हो गए, सड़क में मारपीट हो रही थी, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये पूरा मामला अगर देखें तो भीड़ भाड़ इलाके में इस तरीके से होना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक शर्मनाक घटना है, क्योंकि आज ही पुलिस के कप्तान ने आज मीटिंग करके ये सारी पहलुओं से लोगों को अवगत कराया था, जो अपने स्टाफ थे, जो थानादार थे या फिर जो एसपी थे, वो सारे लोगों को अवगत कराया था किस तरीके से आम लोगों से आपको पेश आना है, किस तरीके से आपको ट्रीट करना है, तो इसका नतीजा आप देख भी सकते हैं किस तरीके से दो घंटे तीन घंटे बाद ही ये सामने आ गया। लेकिन पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है साक्षी पुलिस के द्वारा, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी निश्चित, ये कहा जा रहा है जो थाकी थाना के थाना प्रभारी, उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे आसपास। क्या कोई सीसीटीवी नहीं मिला जिससे हम ये जान पाए या पुलिस जान पाए कि क्या वास्तविकता क्या थी, हकीकत क्या था, कोई वीडियो क्लिप वगैरह क्या कुछ नहीं मिला? क्योंकि मुजबानी आप आरोप तो किसी पर भी लगा सकते हैं, ये भी बात भी सच है। बिल्कुल पंकज, देखिए मैं पहले ही कहा कि जो आरोप लगाया है जिस तरीके से लड़की के घर वालों ने या फिर पुलिस वाले जिस तरीके से कह रहे हैं, वो सारी मामले की तफ्तीश, घर के सामने एक दुकान है, दुकान में सीसीटीवी कैमरे हैं, और निश्चित है पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है और वो देख रही है कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि आखिर जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि दबंगई दिखाया गया और घर वाले कह रहे हैं कि छेड़छाड़ी की गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे आसपास के लोग बता रहे थे कि पुलिस वाले छिड़कानी कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले का कहना है कि मैं छिड़कानी नहीं, मैं अपने रास्ते जा रहा था और वो जबरदस्ती मैंने केवल गाड़ी हटाने के लिए बोली और उसके बाद इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की गई। निश्चित है पुलिस जो सीसीटीवी गाड़ी खड़ी थी, सिर्फ गाड़ी के सवार लोग ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों का भी यही मानना है कि छिड़कानी हुई थी। बिल्कुल स्थानीय लोग वही, बिल्कुल स्थानीय लोगों का कहना है, देखिए गाड़ी जिस घर के सामने खड़े था, घर वाला का कहना है कि वो मेरी बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो साफ लहजे में कह रहे थे कि पुलिस वाले ने छेड़खानी की। अब ये तो किसी का बोल देने से किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता, लेकिन जो स्थानीय लोग बोल रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही जिस तरीके से साक्षी पुलिस ने कहा है कि जो भी दोषी हो गया उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगा, चाहे वो स्थानीय लोग हो या फिर पुलिसकर्मी हो। जी पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर अब ये जांच का विषय है कि जो आरोप लगाए इस एसआई पर वो सच है या फिर बेबुनियाद है, लेकिन यदि इसमें थोड़ी भी सच्चाई हुई तो ये वर्दी को शर्मसार करने वाली बात हो जाएगी, और वो भी उस वक्त में जबकि एक और एसएसपी तमिल वानन क्राइम रिव्यू मीटिंग करते हैं
और पुलिस वालों से कहते हैं कि आप जनता के साथ ऐसा संबंध बनाइए कि आपको अपराध होने से पहले अपराध की मंसूबे पालने वालों की जानकारी आप तक पहुंच जाए, एक नेटवर्क आपका तैयार हो। लेकिन उसी दौरान देखिए दूसरी तरफ ये घटना भी घट रही है, तो फिलहाल ये जांच का विषय और पुलिस जांच कर रही है क्या कुछ निकल कर आता है, इंतजार अब इस बात का रहेगा। शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।